रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस टॉपिक में बहुत लर्नर्स को प्रॉब्लम रहती है आज हम समझेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का 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 लिंक 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 टेलीग्राम एंड बुक्स दिया हुआ है सो लेट्स सी व्हेन आई एम सेइंग अबाउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इट इज ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो ठीक है मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा ढूंढना है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो ध्यान से समझिए एग्जांपल के थ्रू ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ठीक है है अब ये मैट्रिक्स जो है ना इसका अगर आप फाइंड करेंगे तो जीरो जीरो आएगा बट मुझे वो था जिसका नॉन इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं बन सकता देखिए बेसिकली अगर तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी थ्री बाय थ्री की है तो रैंक थ्री होगा थ्री बाय थ्री थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स मतलब अगर वो थ्री बाई थ्री की है तो रैंक थ्री होगा अगर वो मैट्रिक्स टू बाई टू की है तो रैंक टू होगा ठीक है, ये 3 3 की है. क्या? इसका डिटर्मिनेंट होगा? होगा. जो है वो जीरो आएगा करके देख लीजिए हमको नॉन जीरो वाला चाहिए जीरो आएगा करके देखो थ्री फोर टू साथ में आपको डिटर्मिनेंट की भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से टर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट रो से कर रही हूँ साइन चलेगा प्लस माइनस प्लस ठीक है सो इट विल सिक्स जीरो माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स जीरो माइनस ट्वेल्व ठीक है सो so, so, ये आ जाएगा माइनस एटीन ये हो जाएगा प्लस नाइन्टी ये हो जाएगा आपका माइनस सेवेंटी टू तो आ गया माइनस एटीन प्लस एटीन दट इज जीरो जीरो रैंक ऑफ मैट्रिक्स थ्री नहीं है अब हम ऐसा करते हैं हम टू बाय टू का मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं टू बाय टू का मैट्रिक्स अगर वो नॉन जीरो आ गया तो ठीक है फिर मेरा रैंक जो है वो टू हो जाएगा ठीक है तो अब इसके नीचे वाला टू बाय टू का बनेगा

जिसका स्केयर सब मैट्रिक्स, जिसका टर्मिनेंट नॉन जीरो है यानी कि ये मिल गई मुझे और इसका रैंक जो है टू आ जाएगा यानी कि अगर आपको इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया हो तो इसका आंसर टू आएगा ठीक है होपफुली आपको समझ में आ गया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय